हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं आपकी ट्रेनर और स्पेशल एजुकेटर मनिंदर कौर। ये है मनवय। से हाय टू एवरीवन। हाय। गुड। आज जो वीडियो लेकर आए हैं, ये बहुत ही पेरेंट्स की रिक्वेस्टेड वीडियो है। पेरेंट्स बहुत बेसिक सा इशू लेके आते हैं कि मैम हमारे बच्चे को अभी चॉइसेस ही नहीं पता, या हमारे बच्चे को अगर टू आइटम्स हम प्रेजेंट करते हैं तो उनमें से चूज करके उनको पता नहीं है कि क्या खाना है, किस चीज़ पे येस बोलना है और किस चीज़ पे नो बोलना है। तो उसी से कंसर्न जो रिलेटेड वीडियो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं आज, कि बेसिक्स आप कैसे सिखाओगे बच्चे को। देखो, कुछ भी हमें सिखाना है तो हमें ईटेबल्स का यूज़ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की वीकनेस होती है जो भी एडिबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैसे हमें करवाना है, जब आप स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही घर की सारी चीज़ें, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि बाहर से मंगवाया है। ठीक है, ये केक लिया है, आप वो चीज़ें लोगे, थ्री जो है या टू हम एवर्जन्स लेंगे। मैंने मिर्ची और चाय पत्ती ली है, हम एलोवेरा भी लेते हैं बट अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लिया, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बच्चे की हाई वैल्यू है। अब मन में कि ये सारी हाई वैल्यू है, केक हो गया, चोकोपाई हो गया, शुगर हो गई, पीनट्स हो गए। ठीक है, और एवर्जेंस टू है, चिली है और चाय पत्ती है। थोड़ा पास रखना, ठीक है, कैमरा। चलो, पहले आपने जब भी हम बच्चे को हमने बिठाया है, हमने उसको चूज करना सिखाना है, तो आप पहले सब कुछ टेस्ट करवाओगे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर बच्चा को क्रेविंग हो कि मैंने खाना है। और धीरे धीरे अभी बच्चा उस चीज़ को टेस्ट कर रहा है, लेट हिम टेस्ट अच्छे से। अच्छे से माउथ क्लोज करके, नो पहले भी टेस्ट तो करो। टेस्टी है ना? कड़वा लग रहा आपको? तो देखो, ऐसा ही रिस्पॉन्स बच्चे का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो ऐसे ही आएगा, चाय पत्ती पे भी। और अभी ये मिर्ची मैं इसको खिलाने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती थी इसको खिलाऊं, बट आपको एक नेचुरल रिस्पॉन्स। देखो, बहुत ही छोटा पीस लिया ये, देखो। और जब भी हम पनिशमेंट भी देते हैं बच्चे को तो इतना छोटा पीस हम बच्चों को देते हैं। और एक बात और, अब हमें नहीं पता कि बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा मिर्ची खाने के बाद, तो शुगर आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे का इस चीज पे कोई बिहेवियर ना आए। सॉरी, हैंड्स डाउन रखने बेटा। अब मैंने इसको सब कुछ टेस्ट करा दिया, अपनी जो भी मेरी छह मैंने आइटम्स ली थी वो मैंने सब कुछ इसको टेस्ट करवा दिया। तो सबसे पहले अब आप एवर्जन उठाओगे, क्योंकि एवर्जन पे बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स इसने दिया था, नो वाला। इसने बोला था कि कड़वा है बहुत, बिटर। अब आपको रिस्पॉन्ड करना है येस और नो पे। ठीक है, चाय बंदी थोड़ी सी खा लो, से नो। नो। ओके, पीनट्स यस, हैंड्स डाउन, मुंह बंद करके खाते हैं। ओके, केक यस, गुड। अब जब हमने बच्चे को, अब हमने चेक करना है कि ये जो हमने लिया है सेशन की, ये वर्क किया है कि नहीं। अब जब हमने दी थी मिर्ची तो मैंने बहुत छोटा पीस लिया था टेस्ट करवाने के लिए। अब मेरे को इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए बच्चे से नो का, तो मैं ऐसे लूंगी मिर्ची। गुड, मिर्ची ओके, चोको पाए यस, गुड। अब आपने एक ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हम सेशन में मैं बात कर रही हूँ तो हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि मुंह बंद करके बेटा कि आप चोकोपाई खाओगे, खाओगे, बहुत टेस्टी होती है ये, मैंने स्पेशल आपके लिए मंगवाई है, इतना आपने कुछ भी नहीं बोलना है। आपने सिर्फ बोलना है चोकोपाई यस, गुड, बस।
कुछ फालतू बात नहीं करनी है. मैं अपनी हर सेशन में, हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि इंस्ट्रक्शन शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर. जितनी शॉर्ट एंड क्लियर बोलोगे बच्चा भी उतना जल्दी उस टारगेट को अचीव करेगा. मिर्ची थोड़ी सी खा लो. ओके. पीनट. यस. गुड. सो इस तरीके से आप बच्चे को कोई भी टू आइटम्स में, जैसे अभी हमने तो सिक्स लिए हैं, सिक्स आइटम्स में चॉइस करना आप सिखा सकते हो. अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न मोर. थैंक यू सो मच.